टाइम्स डेली HD न्यूज। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए पहुंच मार्ग यानी कि सड़क मार्ग का बेहतर होना अत्यंत आवश्यक है। अच्छे सड़क मार्ग से न सिर्फ सुगम यातायात की व्यवस्था होती है बल्कि क्षेत्र में आवागमन भी बढ़ता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री एवं सावेर के विधायक तुलसी सिलावट के कर कमलों से 1,32,00,000 रुपए की लागत से करोलबाग रोड का शुभारंभ हुआ। इस मार्ग के बनने से आसपास के अनेक कॉलोनियों के हजारों रहवासियों को पक्के सड़क मार्ग की सुविधा मिलने से शुभारंभ अवसर पर रहवासियों में हर्ष का माहौल दिखाई दिया। भाजपा नेता लक्की अवस्थी ने बताया कि इस मार्ग के बनने से करोलबाग, न्यू विजयनगर, शंखेश्वर सिटी, कालिंदी गोल्ड प्रीमियर पार्क, प्रीमियम पैराडाइज, कल्याण संपत, लंदन विलास, कुमेड़ी गांव सहित 25 से अधिक कॉलोनी के लोगों को, साथ ही इंडस्ट्रियल एरिया को भी बेहतरीन सड़क मार्ग की सौगात मिल रही है। सड़क मार्ग शुभारंभ अवसर के पूर्व भाजपा नेता लक्की अवस्थी की अगुवाई में कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट का समारोह पूर्वक स्वागत किया गया। इसके पश्चात सभी अतिथियों ने सड़क मार्ग के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। इसके पूर्व श्री सिलावट ने आते ही अपने चिर परिचित अंदाज में उपस्थित लोगों को पास में जाकर अभिवादन स्वीकार किया। छोटे बच्चों से भी स्नेह से मिले। विधायक मंत्री आ चुके हैं, संसाधन मंत्री आ चुके हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी का तरीका से चलकर आए हैं बहनों, ये भैया ही अपने है ना, और कुछ भी समस्या है ना तो इनसे आप बात कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। मैं मंच पर सभी भैया, राजू भैया, लक्की भैया, सभी को इस मंच पर और हमारे नीतीश पर आप सबको बधाई और शुभकामना देने आया हूँ, क्योंकि एक सपना अपने जीवन का, पानी, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा का हर व्यक्ति का होता है, और हमारी भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में सावेर का विकास और प्रगति एक नए आयाम स्थापित कर रही है। इसलिए आज कुमेड़ी गांव से एमपी सब स्टेशन के सामने तक करोल बाग को जोड़ने वाला डामर नहीं, सीमेंटीकरण कितने का मालूम है? 1,32,00,000। कितने का? आज इसलिए आप सबको बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। और अभी कुछ दिनों बाद ये नगर निगम में लगती है। जिस प्रकार ने आपने 80 साल का रिकॉर्ड तोड़ा और आपके इस बेटे को, भाजपा के सेवक को जो 54,000 से जिताया, जो भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हो जिसका निशान कमल हो उसको जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? जरा दोनों ऊंचे हाथ करके संकल्प लो सबके सब, क्योंकि देश का नेतृत्व देश के नेता शिवराज जी चौहान जी, उसी के लिए विकास हो रहा है। और किसने बनाया? भाजपा। ये बदलाव कोविड में हर गरीब को, भाई साहब आप मार्ग के शुभारंभ के पश्चात श्री सिलावट पास में ही त्रिलोकेश्वर महादेव मंदिर भी पहुंचे। वहां पर महादेव से लोगों की सुख समृद्धि एवं उत्तम व्यवस्था के लिए प्रार्थना की। इस दौरान श्री सिलावट एक दिव्यांग युवक से भी आत्मीयता के साथ मिले और उसे माला पहनाई। भाजपा नेता लक्की अवस्थी ने मीडिया से चर्चा में बताया कि श्री सिलावट अपने सभी कार्यकर्ताओं एवं साथियों का उत्साह बढ़ाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखते हैं। आज उन्हें जैसे ही जानकारी मिली कि भाजपा प्रकाश सोनकर मंडल के मंत्री नितिन पंडित का जन्मदिन है, तब उन्होंने स्टेज पर ही अपने स्वागत के लिए लाई गई सारी मालाएं नितिन पंडित को पहनवा दी।
अपने हाथ से केक काट कर मुंह भी मीठा कराया। श्री सिलावट ने सागर क्षेत्र की जनता का आभार मानते हुए कहा कि आप लोगों के प्यार और स्नेह से मैं 54,000 वोटों से जीता हूं और आपके विश्वास पर खरा उतरने के लिए 24 घंटे तत्पर हूं। भाजपा द्वारा सांवेर विधानसभा क्षेत्र में निरंतर विकास की गंगा बहाई जा रही है। क्षेत्र के सभी मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि आगामी नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जो भी उम्मीदवार यहां से चुनाव लड़े उसे अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाए, जिसे क्षेत्र को पूर्ण रूप से विकसित क्षेत्र बनाया जा सके। आज सड़क मार्ग के शुभारंभ अवसर पर मुख्य रूप से कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, भाजपा नेता लक्की अवस्थी, पप्पू शर्मा, राजेश पांडे, राजू राठौर, अशोक मनावत, नितिन पंडित, योगेंद्र गेंदर, पवन सोलंकी, बंटी शर्मा, नीतीश चिंटू सिलावट, विजू परमार, बबलू जोधा, राजकुमार मौर्य, मोहन रघुवंशी, विजय कांसट, पूजा यादव, उर्मिला रायकवार, नीलिमा सैनी, ममता गोस्वामी सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक एवं भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। ममता भाभी, नीलिमा दीदी आ जाइए प्लीज। दिनेश भैया आइए प्लीज। जन्मदिवस भी है जो पंडित जी भाजपा के कर्मठ कर्मठ कार्यकर्ता और यहाँ के हमारे बड़े ऋषि भाई, आज उनका हम जन्मदिन भी मना रहे हैं। अरे यार भैया क्या कर सामने निकलो, कैसे आएगा किसी का फोटो। आने जाने में सुगम और अच्छा सीसी रोड पर हम मना रहे हैं और पास में सौंदर्यीकरण लगभग लगभग 2 करोड़ का मुख्यमंत्री जो ओजस्वी भी है, तेजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में एक मध्य प्रदेश में विकास और प्रगति का दौर निरंतर हर कॉलोनी से लेकर गांव से लेकर शहर से लेकर पंचायत से लेकर मध्य प्रदेश के हर कोने में विकास की गति निरंतर जारी रहेगी। मैं फिर से करोल बाग के मतदाताओं को, भाइयों और बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मंत्री तुलसी सिलावट जी के कार्यक्रमों से करोल बाग में 1,32,00,000 की रोड का उद्घाटन हुआ है, क्या कितने कॉलोनी के रहवासियों को, इंडस्ट्रियल एरिया को इससे फायदा मिल रहा है? आज बड़े हर्ष का विषय है, कहीं ना कहीं सांवेर का विकास का नाम एक ही नाम है, तुलसी सिलावट जी। ये नाम कहीं ना कहीं सार्थक होता है। आने वाले समय में यहाँ पर जो करोल बाग था, यहाँ पर लोगों को आने बड़ी समस्याएं होती थी, इसके लिए आज 1,32,00,000 की रोड का प्रारंभ करा है और इसी के साथ साथ एक सौ का दौर दी है, एक स्मार्ट रोड बना रहे हैं करोल बाग वाली, जहाँ पर ब्लॉक और टेबल कुर्सी सौंदर्यीकरण जो आप देखते हो गेटर क्लास करने जो रोड बना स्मार्ट रोड, उसी प्रकार का सांवेर में स्मार्ट रोड बन रहा है और आने वाले समय में भी इसी प्रकार के रोड और विकास की गंगा यहाँ बहाई जाएगी, क्योंकि जो मतदाता भगवान है, उस भगवान ने जो तुलसी लाठ जी को मत दे के विधायक बनाया और मंत्री बनाया, हमारा कर्तव्य बनता है माननीय मंत्री जी का कि वो आने वाले 1.5 साल में इतने विकास के काम करें कि लोग का जो विश्वास है वो विश्वास बना रहे। जय हिंद, जय भारत, लक्की अवस्थी।